यानी कि जैसे अंदर टिकट जैसे देखिए लेके आऊं किसके बारे में? स्क्रीनिंग के बारे में। हाँ विनीत जी, इस फिल्म में आपने कोई आप कोई भूमिका तो नहीं कर रहे जी, आप किस हैसियत से यहाँ आए? मैं एक अच्छे दोस्त के नाते आया हूँ, परेश भाई का तो हूँ ही, बट साथ साथ नरेंद्र झा जी इनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इज अ वंडरफुल एक्टर। इन्होंने जो अभी तक जो काम किया है वो तारीफ़े काबिल है, तो मतलब मैं हेड्स ऑफ करता हूँ उनको। मेरे कलीग हैं, मेरे सीनियर हैं, तो वो एक उसकी वजह से भी एक होता है कि उनके लिए आपका प्यार रहता है, तो वो मेरा प्यार हमेशा है, तो उसी की वजह से मैं अपनी तरफ से गुड विशेस देना है उनको। चलिए आप एक बार बताइए कि आप इस फिल्म का म्यूजिक रिलीज भी के अवसर पर भी आप थे जी, जी जिसमें आपने ट्रेलर देखा था जी जी, तो आपको क्या लगता है ये फिल्म कैसी बनी होगी? आज बड़े बड़े सितारों के दौड़ में एक दूसरे कम बजट की फिल्म लेकिन एक अच्छी फिल्म है, तो क्या होगा इसका? मुझे यही लग रहा है कि आज कंटेंट इज द हीरो, देयर इज नो बिग हीरो देन कंटेंट। तो आज ऑडियंस हमारी बहुत अलर्ट हो गई है, बहुत समझदार हो गई है कि उनको कंटेंट चाहिए। आप कितना भी बड़ा हीरो ले आओ, अगर कंटेंट नहीं है दे लीव इट आप पे, छोड़कर चले जाते हैं। तो चाहे वो छोटे बजट की फिल्म क्यों ना हो, वो अगर हीरो है तो कंटेंट से है पहले, फिर उसके साथ पात्र और ये सब जुड़ते हैं सारे, यू नो। सर आप इस फिल्म के निर्माता हैं, आज जरा बताइए फिल्म माय फादर इकबाल के बारे में, क्या इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या है? माय फादर इकबाल जो है वो ट्रू इंसिडेंट पे मूवी है, और इसमें हमने दिखाया है कि जो कश्मीर जिन्हें हम बोलते हैं कि हमारे इंडिया का स्वर्ग है, वो स्वर्ग तो ज़रूर है लेकिन वहाँ के जो लोकल है उनके लिए वो स्वर्ग नहीं है। वहाँ के जो लोकल है उनको तकलीफ़ें काफ़ी होती है, पॉलिटिशियन वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो बराबर नहीं है, प्लस वहाँ जो टेररिज्म है वो काफ़ी है, काफ़ी टेररिज्म में उनको रहना पड़ता है। और इसमें हमने एक बाप और बेटे की कहानी बताई है, हम हमेशा माँ का जिक्र करते हैं कि माँ ही बच्चे का ध्यान रखती है, नो डाउट माँ तो 100% बच्चे का ध्यान रखती है, लेकिन बाप ऐसा है कि जो अपनी आउट ऑफ द वे वो कभी दिखाता नहीं कि मैं मेरी फैमिली के लिए क्या कर रहा हूँ, वो पूरा दिन पूरा ही अपनी फैमिली को सेटल करने में, अपने बच्चे का फ्यूचर ब्राइट होवे उसके लिए पूरा दिन मेहनत करता है, और उसको हम लाइमलाइट ये मूवी में दिखा रहे हैं। थैंक यू।